सबसे पहले सबको राम राम। हमारे साथ हमारे बड़े भाई उमेद सिंह सरपंच जी, हमारे भाई हमारी कांग्रेस हमारे भाई जिले के कांग्रेस पार्टी के बैकवर्ड के प्रधान भाई अजीत यादव जी, चंद्रबान जी हैं। देखो आज हमने आपको इसलिए बुलाया है कि देखो जो बैकवर्ड की बात है उसकी बताया है। सरकार ये कह रही है कि हम 8% पंचायतों के अंदर आरक्षण देंगे बैकवर्ड ए को। हमारा ये सबका मानना है कि 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना कराई थी। बीजेपी सरकार से हमारी मांग है कि उस डाटा को रिलीज करें। बीजेपी सरकार उस डाटा को दाब रखे कि इसकी जरूरत नहीं है। देखो जातीय जनगणना आ जाएगी तो सारा सौदा सबको मिल जाएगा। तो रही 8% की बात, हम ये कहते हैं कि हमारे को 27% 16 बैकवर्ड ए को और 11 बैकवर्ड बी को। जब नौकरियों में है तो पंचायतों में 8 क्यों? हम ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से हम सरकार को बीजेपी को बताना चाहते हैं कि 16% बैकवर्ड ए को और 11% बैकवर्ड बी को दोनों को दिया जाए। और इसके साथ सरकार जो जनगणना कांग्रेस पार्टी के समय में 2011 में हुई थी उसका डाटा रिलीज करे। नहीं, सरकार दोबारा करा ले जाती है जनगणना। हम कहने लग रहे हैं दोबारा करा ले, सरकार की मनसा खराब है। सरकार ये कह रही है कि हम फैमिली आईडी पर जनगणना कराएंगे। फैमिली आईडी पर जनगणना बिल्कुल भी सही भी नहीं होगी और मान्य भी नहीं होगी। तो हमारी ये चीज हमारी ये मांग है कि सरकार 8% की बजाय फिलहाल 16% करे और 11% बैकवर्ड बी को करे। अब देखो हम आपको मोटा मोटी बताना चाहते हैं, जैसे कि हम बरवाड़ा हल्के से 12-13 पंचायत ऐसी है, 12-13 पंचायत जहां पर बैकवर्ड के ही सरपंच बने। नलवा हल्के के अंदर लगा लो 15 या 20 पंचायत ऐसी है जहाँ पर बैकवर्ड के ही बनते हैं। बनत कई बारी समीकरण गलत हो जाए, क्या पता जिस गांव में 2 गर्भियों के बराबर वो भी सरपंच बन जाए, वह एक अलग बात है। पर तू जातीय समीकरण का हिसाब लगाए तो इतने सरपंच बनते हैं। 80 के अंदर की बात करें, अभी हम बैठे थे 80 के अंदर हम लिख रहे थे तो कम से कम 25 पंचायत है जहाँ पर बैकवर्ड के सरपंच बनने की बात है। सरकार ये कह रही है कि 100 गाँव का हम एक डाटा बनाएंगे और 100 गाँव के अंदर हम 12 गाँव छांटेंगे जिनकी आबादी ज़्यादा होगी और 12 गाँव के अंदर हम 8 सरपंच बनाएंगे। 24 गाँव छांटेंगे, 24 गाँव छांटेंगे, 24 में से 8 सरपंच हम मान ले बैकवर्ड के बनाएंगे और 8 अगली बार। तो अब देखो हिसार जिले के अंदर लगभग 350 गाँव हैं। 350 गाँव में कितने गांव छांटे सरकार ने? 72 गाँव करीब। 72 गाँव मैं कहता हूँ कि 72 गाँव तो 3 हलका के अंदर ही बन जाएंगे, 3-4 हलका में, हल्के तो 7 है। तो सरकार की मनसा खराब है, बैकवर्ड को कुछ देना नहीं चाहती, बैकवर्ड का सिर्फ वोट लेना चाहती है। और एक ये जो ईब जो करया इन्होंने तुरंत प्रभाव से लागू किया है, ये तो सिर्फ आदमपुर का चुनाव के लिए किया इन्होंने। जैसे कि डी ग्रुप की भर्ती जीन चुनाव के लिए कर दी थी इन्होंने और आज तक वह भर्ती पूरी नहीं हुई और बहुत सारे साथी हमारे निकाल दिए उसके अंदर। जल्दबाजी में भर्ती करी थी, जल्दबाजी में भर्ती करके जल्दबाजी में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था और आज तक कभी निकाल देते हैं कभी वापिस ले लेते हैं, ऐसे करके सिर्फ जींद का चुनाव जीतने के लिए। और ईब यही नतीजा इन्होंने जल्दबाजी में इन्होंने ये किया है। एक जल्दबाजी में जैसे कि पिछड़ा आयोग का गठन किया इन्होंने। मैं बताना चाहता हूँ हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारे नेता चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, परंतु इस सरकार ने वो गठन को खत्म कर दिया। और जैसे हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों ने फतेहाबाद रैली करी
उसके बाद के अंदर पिछड़ा वर्गों का गठन हुआ, कि वहाँ पर कई हजार साथी इकट्ठे हुए, आप लोग भी वहाँ पर गए, आप लोगों ने देखा 15-20 हजार की तादाद थी कम से कम भी वहाँ पर पिछड़े वर्ग के साथियों की, और मेरे को वहाँ पर उन्होंने बुलाया। अब उसके बाद के अंदर फिर पिछड़े वर्ग के साथी गोहाना में इकट्ठे हुए, गोहाना में इकट्ठे, उसका भी सरकार को कुछ असर हुआ। अब ये देखो 8% का इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है पिछड़े वर्ग को। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि जितना हमारा हक है पिछड़े वर्ग को, ए और बी को 8 की बजाय 16 करो और 11 बैकवर्ड बी को, हमारा ये कहना है। हाँ जी, देखो मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, समाज ने इलेक्शन लड़ना है। देखो बात यह है, इलेक्शन तो समाज के भाइयों ने लड़ना है। अब अग्निवीर का फौजियों का घना विरोध होया और बेरोजगारी इतनी है कि हमारे साथी वहाँ पर ज्वाइनिंग भी करने के लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग भी करने के लिए जा रहे हैं। देखो मैं ये कहता हूँ कि सरकार, अगर मैं कहता हूँ कि सरकार 8% दे, 8 क्यों दे, 16 दे और 11 बैकवर्ड बी को दे, जो हक वे मांग रहे हैं, आप किसी का ज़्यादा नहीं। फिर मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं कि आज 8 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, 8 साल के अंदर हम लगातार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराए, पता जितना हक है उसको दे दो, 8 बने 8 दे दो जातीय जनगणना करा के, 20 बने 20 दे दो, सबसे ज़्यादा बढ़िया बात यह बैकवर्ड की। बुड़ेला साहब, पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे नेता खुद बीजेपी में है, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे, आप उठा रहे? देखो मैं जो आपको बताने लग रहा हूँ, हर आदमी का अलग अलग तरीका होता है। मेरे पास पिछड़े वर्ग के साथी आए और मेरे पास भी आए हमारे नेता, कांग्रेस के विपक्ष के नेता भी हैं हुड्डा साहब, उनके पास ही पिछड़े वर्ग के साथी बहुत सारे गए और सब ने उनको भी ज्ञापन दिया, सरकार को भी ज्ञापन दिया, उनको भी ज्ञापन दिया, और जब सरकार ने ज्ञापन नहीं माना तो हुड्डा साहब ने ज्ञापन लिया। ज्ञापन लेने के बाद में हुड्डा साहब ने कहा है स्पेशल कि पंचायतों के अंदर बैकवर्ड को आरक्षण देना चाहिए, जब विपक्ष कह रहा है तो सरकार ने देना चाहिए। दूसरी बात, जिला परिषद के मेंबर तो बनाने ही कह रही है सरकार, परंतु चेयरमैन में क्यों नहीं? ब्लॉक समिति के मेंबर तो बनाने की बात है, चेयरमैन क्यों नहीं? नगर पालिका में मेंबर तो है, चेयरमैन नहीं? इन सौदा में सब में लेना चाहिए नहीं, जब विपक्ष कह रहा है, कह तो कांग्रेस मना कर रही हो, हुड्डा साहब मना कर रहे हो, फिर तो ये ना दो कोई दिक्कत नहीं। जब विपक्ष कह रहा है कि भाई मान ले बैकवर्ड को पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन दो, बल्कि सरकार को तो एक कदम आगे चलना चाहिए, सरकार तो 10 कदम पीछे चल रही है विपक्ष से। बीजेपी को क्या डर है? बीजेपी को यह डर है, देखो मेरा ये मानना है कि बीजेपी ये सोचती है अगर हम कुछ दे देंगे तो ये वोट नहीं देंगे, बैकवर्ड को कुछ ना दो ये हमारे को वोट देते रहेंगे। परंतु बैकवर्ड के साथियों को, बैकवर्ड के समाज को आज पता लग गया कि हमने सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को दिए और मारे ही पैर पर कुहाड़ी मार रही बीजेपी, चाहे क्रीमी लेयर का मुद्दा हो और बहुत सारे मुद्दे, ये सारे के सारे मुद्दे बैकवर्ड के ऊपर थोपने लगे। जातीय जनगणना ये आपने बात की, इसमें बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? देखो नुकसान तो किसी का नहीं है, फायदा बैकवर्ड को है। सरकार का क्या नुकसान है? सरकार अगर कोई चीज बनाए, सरकार को तो कभी नुकसान नहीं है, सरकार को तो बेनिफिट होता है। तो वो आंकड़े रिलीज क्यों नहीं कर रहे? आंकड़े रिलीज नहीं करी 2011 का, आप करो पता इस बात में अगर मेरी बात झूठी है तो। 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना कराई थी और बीजेपी सरकार वो डाटा रिलीज नहीं कर रही, बिल्कुल मना कर दिया, तो कोई जरूरत नहीं है। और आज हम दोबारा फिर करने लग रहे हैं, आप नहीं करा लो जातीय जनगणना, 8 साल से हम लगातार कहने लग रहे हैं आप कराओ जातीय जनगणना, सबसे ज़्यादा जाति बैकवर्ड की हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर है, करानी चाहिए। चल देश में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कराती तो हरियाणा प्रदेश करा ले, हक तो मिलना चाहिए, आप गलत थोड़ी मांग रहे हैं। सरकार मांगे नहीं मानती है तो फिर पिछड़े क्या करेंगे? पिछड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो हम रोड नहीं रोक सकते, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। पिछड़े वर्ग के साथी मेरे पास आए थे आज से करीब 7-8 महीने पहले, बहुत सारे संगठन मिले थे मेरे से, मैंने उनको सुझाव दिया था भाई आप लोग सम्मेलन करो पिछड़े वर्ग के पूरे प्रदेश के अंदर और
तब जाके सरकार कुछ मांग आपकी मांग सकती है। तो उसके अंदर जैसे फतेहाबाद में किया, गोहाना में किया, अगला सम्मेलन समाज के साथियों ने कहा कि हम भिवानी करेंगे, थोड़े से ये चुनाव की पंचायतों के चुनाव की सरगर्मी तेज है इसलिए वो भिवानी का प्रोग्राम थोड़ा सा ठंडा है, वो हम 11वें महीना में करेंगे। तो एक बैकवर्ड के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, आपको बताना चाहते हैं बैकवर्ड के सर्टिफिकेट खासकर लड़की लगा ले, कोई लड़की हमने उसकी शादी कर दी और उसका सर्टिफिकेट बैकवर्ड का बनना चाहिए अपने पीर का, यानी कि पीर कहते नहीं मायके में, मायके में मायके के हिसाब से उसका सर्टिफिकेट बनना चाहिए, पर तो नहीं बन रहा। उसमें उसके ससुराल वालों की इनकम जोड़ने लग रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए और ये सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। अब कोई गरीब घर है गांव में, किसी लड़की की शादी कर दी और शादी करने बाद में ससुराल चल गई हुआ, उसको तो बेनिफिट नहीं मिलने लग रहा। तो बैकवर्ड के साथियों का तब की बार एडमिशन भी नहीं हुए कॉलेजों में स्कूलों में, क्रीमिलेयर के चक्कर में 6 लाख इनकम कर दी। तो देखो बहुत बड़ा नुकसान है, बैकवर्ड आज समझ चुके हैं। मैं आपको बताऊँ, सरकार ये गलतफहमी आपकी निकाल दे कि बैकवर्ड मेरे को वोट दे देगा। हम जाते हैं बैकवर्ड के अंदर, हमारे को दिल की बात बताते हैं, बैकवर्ड का साथी ओपन नहीं बताएगा, दिल की बात बताता है। हमारे को बताता है कि इस सरकार ने बहुत बड़ा घोर अन्याय कर रखा है बैकवर्ड के साथ, हर चीज़ पर, हर चीज़ पर, नौकरियों के अंदर भी कर रखा है। और जैसे कौशल बोर्ड योजना लेके आ गई, इसमें बैकवर्ड का क्या होगा, आरक्षण हमारा 16-11 कहाँ जाएगा, डीसी रेट पे, ठेका प्रथा पे। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं ये कहता हूँ कि देखो आने वाले समय में 2024 के अंदर मेरा मानना है कि बैकवर्ड इसको बीजेपी को वोट नहीं देगा। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ, बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप।